हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज बहुत ही ठंडा मौसम है और सुबह से बारिश दोस्तों हो रही है। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन फिर से बहुत ही ज़ोरों से बारिश होने लगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और इससे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कितना ठंडा मौसम है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं प्लाट, और ये देखिए यहाँ पे पपीता है और वो कैथे का पेड़, इसमें बहुत सारे लगे हुए कैथे। तो चलिए चलते हैं प्लाट। सो फ्रेंड्स, हम लोग प्लाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों, मैं अकेला आया हूँ अभी पहले। तो जैसा आपको पता है कि सुबह बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी, तो इसीलिए सारे जानवर इस साइड बंधे हैं और कुछ ही जानवर अभी चाचा ने इस साइड बांधे हैं, क्योंकि बारिश रुक चुकी है और सब जानवर इसी साइड बने थे, क्योंकि बारिश के कारण होने के कारण बहुत ही ठंडी लग रही थी जानवरों को। तो इसीलिए टीम यहाँ पे है, और आप देख सकते हैं ये कल्ली जो बनी है, ये सब गिरा दी जाती है कि हवा अंदर ना जाए, ठंडी ना लगे। तो ये सुबह सुबह किया गया था सब काम। तो मैं अभी आया हूँ, अभी ये सब जानवर यहाँ से हट के सारे इन लोग का खाने का टाइम हो जाएगा। और चाचा अभी गए हैं पशु आहार लेने जानवरों का, जो खाने में डालते हैं, चारे में डालते हैं, तो वही लेने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो ये है दोस्तों पपीते का पेड़, और इसको आज बहुत ही पानी मिला है। देखते हैं इसमें पपीते पके कि नहीं पके। और अगर फ्रेंड्स इसमें पपीते पकते नहीं ना, बस थोड़ा बाकी रहता है पकने में, तो हम लोग पपीते को तोड़कर जो गाय भैंसों का चारा नहीं होता है भूसा, उसी में रख के दो तीन दिन बाद आप देखिएगा एकदम पका पकाया आपको मिल जाता है पपीता। क्योंकि भूसे और पैरे में जो जानवरों का चारा होता है, उसमें दोस्तों बहुत ही गर्मी होती है, उसमें जब रख देते हैं हम लोग, तो दो तीन बाद देखते हैं वो एकदम पक जाता है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो ये कच्चे कच्चे नहीं पपीते रखते हैं, मतलब कि जब जो पकने वाला हो, बहुत दो तीन दिन के बाद जो अच्छी तरह से पूरी तरह से पक जाए, उसे ही हम लोग तोड़ कर वो पैरा या भूसे में दबा के रख देते हैं वैसे, और वो दो तीन बाद हम लोग देखते हैं तो वो पका पका मिलता है, आराम से काट के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, वह लाजवाब। यहाँ पे दोस्तों WWE चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गाय का बच्चा, और ये देखिए कितना अच्छा गेम WWE का, आपस में ही लड़ते रहते हैं ये सब। तो ये है फ्रेंड्स वेट नाप वजन तौलने की मशीन, जिससे हम लोग कभी कभी दूध भी नापते हैं। और ये है जो चारा होता है गाय भैंसों का, इसमें हम लोग काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वही जो हरा चारा लाते हैं, हरियाली सोया चाप जिसे बरसिंग कहते हैं चारा, उसको इसी में डालकर। और ये चक्का जो है ऐसे ऐसे घूमता है, और ये जो आप देख रहे हैं इससे कट के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों पे यहाँ पे बिखर जाता है, और इससे हम लोग दूध तोड़ते हैं।
का आप देख सकते हैं मौसम, बादल अभी भी छाए हुए हैं काले काले। तो दोस्तों चमचमाती धूप निकल चुकी है और कितना अच्छा मौसम हो गया है। अब मुझे लगता है ये धूप अब बहुत ही देर तक रहेगी क्योंकि आसपास कोई भी बादल नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग पहुंच गए हैं हरियाली लेने के लिए।